नमस्कार सभी को। आज मैं आप लोगों को डाक का डिफेंस बताऊंगी कि कोई डाक मारता है तो उसका क्या डिफेंस होगा। कोई एक ये बच्चा मान लो मास्टर है डाक का, तो ये मेरे को डाक लगाएगा तो मैं कैसे बचूंगी? ये तो है नहीं कि ये डाक मारेगा और मैं खा जाऊंगी। तो हम बच्चों को कैसे सिखाएं कि कोई डाक मारे तो उसका डिफेंस क्या रहेगा, और ये टेक्निक सेल्फ डिफेंस की भी टेक्निक है सारी। अंत तक वीडियो जरूर देखें, लड़कियों के लिए भी बहुत जरूरी है चीजें, ये सीखनी बहुत जरूरी है। ये जूडो की रेसलिंग की टेक्निक्स है सारी। तो कोई डाक लगाए तो डाक का डिफेंस क्या हो? जैसे ये मेरे को डाक लगाने के लिए आएगा, ये डाक ही आया, तो सबसे पहला काम क्या करना है? अगर मैं इसके ऊपर चढ़ के रहूंगी तो मेरे को डाक भी घुमाएगा। तो ये जो आए डाक के लिए और इसके मेरे बीच में गैप होगा तो डाक बिल्कुल नहीं लगेगी, अगर गैप नहीं होगा तो डाक लग जाएगी। ये किसी भी टेक्निक का रूल है, कोई भी टेक्निक लगती है चिपक्के लगती है, कभी दूर होके नहीं लगती। तो इसलिए ये डाक ये दूर कमर अंदर घुसगी तो ये डाक मारेगा। जब लगे कि हाथ आ गया इसको अंदर बता देंगे दूर हो, फिर डाक की उसकी पोजिशन नहीं बन पाएगी तो डाक लग नहीं पाएगी। दूसरा ये डाक की पोजिशन इसने बना ली, उसके बाद अपनी रहना यहाँ से, अगर मैं खड़ी रहूंगी तो ये मेरे को डाक मारेगा ही मारेगा। इसलिए डाउन हो गए ये पीछे। इसलिए अपने रहना, इसके ऊपर लगना नहीं है, डाउन पीछे से, और ये तीसरा काम। दो काम बताए, पहला उसकी कमर को अंदर मत घुसने दो, बाहर रखो, अगर आ भी गया तो ये आप इस हाथ से उसको पुश करो बताओ। दूसरा अगर डाक के लिए आया तो हमने ऊपर लद के नहीं रहना, नीचे डाउन रहना है ताकि इसकी पोजीशन ना पड़ पाए। तीसरा अगर कोई बच्चा डाक मार गया तो चलते चलते हमें क्या काम करना है, हमारा दिमाग चलता रहना चाहिए। अगर किसी ने मेरे को डाक मारे, ये मारी, तो साथ के साथ मैं उसकी कमर पकड़ के रोल कर दूंगी ताकि इसके तो पॉइंट खाएंगे साथ में मेरे भी पॉइंट होंगे। डिफेंस किया, डिफेंस हुआ ठीक है, नहीं हुआ डिफेंस, अगर वो मारने लग गया तो मारते मारते अपना भी काम करो ताकि उसके पॉइंट हो, अकेले उसके ना हो साथ में हमारे भी पॉइंट हो। दिमाग इतना चलता रहना चाहिए, डाक मार रहा है, मार रहा है, साथ की साथ की साथ रोल। चौथा काम, अगर किसी ने यहां से डाक मार दी तो डाक मारने के बाद जो डाक मारता है बच्चा उसका क्या रहता है लास्ट में फाइनल पोजीशन के, वो वहां से चित करता है, क्योंकि जिसकी पक्की प्रैक्टिस होगी डाक की वो डाक मार के चित जरूर करेगा। तो किसी ने डाक मारी, ये मारी डाक, अब यहां से ये चित करने की कोशिश करेगा, तो मेरा काम क्या है, इसे दूर नहीं रहना, इसके नजदीक चलना, और ये ग्रिप ले लेना है कमर पे और उसके नजदीक रोल की, अगर दूर रहोगे तो यहाँ से आगे बढ़ जाए, ये चित कर देगा, फाल हो जाएंगे, इसलिए ये पैरों से चलना है, साथ साथ चलो 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 चलो, दोनों काल सही घुमा। हमने आपको चार काम बताए, सबसे पहला काम कोई डाक के लिए आए तो उसकी कमर को अंदर मत आने दो, दूसरा काम अगर डाक के लिए आ रहा है तो अपने पैतरे को डाउन कर दो, अगर ऊपर ज्यादा लदोगे तो डाक खाओगे, तीसरा काम अगर फिर भी डाक कोई मार रहा है तो चलते चलते कमर पे ग्रिप लिया रोल साथ के साथ, दूसरे के भी पॉइंट और हमारे पॉइंट, चौथा काम अगर किसी ने डाक मार दी उसके बाद वहां से चित ना हो तो चित ना होने के लिए उसके साथ साथ चलते रहो और मौका मिलते ही पलट दो। ये थी डाक का डिफेंस।
डाक कोई टेक्निक लगाए या हिप्नोसिस लगाए उससे बचाव कैसे करें, तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि शुरुआत से कोई लगाने लग जाए तो और अंत तक लग जाए तब तक का डिफेंस इसमें सारा है कि कैसे डिफेंस करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।